सरकार को भी कुछ देखना चाहिए कि हाँ भाई ड्राइवर एक इतना जब तक जवानी रहा ड्राइवर का कितना टैक्स कहाँ कहाँ से दिलवाया और बुढ़ापा में उसको कोई पूछने वाला नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग रायपुर पहुंचने वाला है, तो उससे पहले अभी हम लोग दुर्ग बाईपास में हैं। तो दोस्तों रास्ते में आज प्लानिंग हुआ हम लोग का मछली खाने का, तो अभी जाते हुए देखते हैं। भिलाई बाज़ार है, तो रास्ते में जहाँ मिलेगा वहाँ रुक के लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कहाँ मिलता है। आज मछली का प्रोग्राम है हम लोग का, मछली बनाने का, तो लेकर आज बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आए हैं मछली खोजने के लिए। आज मछली खाने का मन है, बुधवार है, कहीं मिलता है तो लेते हैं। ये भिलाई में है, इसको भिलाई प्लांट की तरफ जाता है ये रास्ता, तो यहीं पर अभी खोज रहे हैं। अभी हम देखते हैं, बताया तो है कि आगे में है। ठीक है ना, 160 से 40 ना बढ़ता नहीं चाहिए। यही ईद देखो कभी ना, उसका पीस भी सही बना है ना, ये तो छोटा देखो एक बहुत 1.5 किलो। दोस्तों मछली लेने आए थे, मछली तो मिल गया है, तो थोड़ा सुबह नाश्ता भी कर लेते हैं। तो मसाला डोसा मिला है, वही नाश्ता कर रहे अभी। दोस्तों कहते हैं ना कि जब इच्छा अंदर से हो हर कोई भी चीज़ का, तो कोई भी चीज़ मतलब मिल जाता है। तो मतलब मछली खाने का दिन था, काफ़ी दिन से हम नहीं खाए, गाड़ी में बना भी नहीं। रोहित का भी डिमांड था कि मछली मतलब बहुत दिन हो गया खाया हुआ। हम कहा चलो अब तो ख़त्म हो गया सब, अब तो खा सकते हैं। फिर बंद हो जाएगा, हमारों का कलश रखा जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा सब। तो चलो ठीक है दोस्तों, मिल तो गया मछली में, हम गाड़ी में आ चुके हैं और इसके लिए भी नाश्ता ला दिए। इसका फेवरेट चीज़ है, बहुत पसंद करता है इसको। दोस्तों अपना हीरापुर तो आ चुके हैं, मगर दिक्कत यही गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलता है। देखिए रोड पे कैसे गाड़ी लगा रखे हैं, मतलब बेफालतू का गाड़ी सब भी यहाँ पर खड़ा रहता है। मतलब 4 दिन 5 दिन 10 दिन से भी खड़ा है, तो हम लोग को दिक्कत हो जाता है। हम लोग 2-4 घंटे लगाने वाले जाने वाले, तो पूरा रोड पर गाड़ी भरा हुआ है। तो सेठ के पास जा रहे अभी, हिसाब सब करके आते हैं। देखिए कॉपी वगैरह सब ले लिए हैं और निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, रोड पर गाड़ी लगाना ठीक बात नहीं है ना। तो ठीक है दोस्तों आते हैं, हिसाब सब देख के निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों अभी हम लोग रायपुर तो आ चुके हैं और पापा भी अपना हिसाब करवाने गए, तो अभी हम लोग टाइम था तो मछली साफ़ कर ले रहे हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मछली बनने जा रहा है कुछ। इतने दिनों तक तो पितरपक था, आप लोग का भी काफ़ी कमेंट आता था ये बनाइए वो बनाइए, पर हो नहीं पाया। तो देखिए आज पितरपक ख़त्म हो गया, तो हम लोग जा रहे बनाने के लिए मछली, रोहित का फेवरेट। इसके लिए इसमें लेग पीस ढूँढ रहा था, इसमें भी बताइए, इसमें भी इसको लेग पीस चाहिए। कैसा लगा बता, मछली बन रहा सही है? देखिए दोस्तों आज तो मछली मिला है, धूप में मछली मिला था हम लोग को, आज मिला है तो बोलो आज बनाल जाए। मीट मीट ही मछली, अरे आज मछली बनाया जाए। इसको चाहिए सिर्फ चिकन और मटन, मछली नहीं पसंद ना? नहीं नहीं मछली भी पसंद, आते ही मांग लिया लेग पीस, तो अब क्या बोले बताइए। सब्सक्राइबर आए हुए हैं, दोनों मिल रहे हैं, लेकिन मेरा काम है सब्जी काटना, यही होता है, चले जाते हैं दोनों हमको काम में फंसा के, ऐसे काटना पड़ता है हमी को। प्याज वाज इधर सब कुछ धो के रख लिए हैं, इसमें अब हल्दी उल्दी लगाएंगे और प्याज वाज कटिंग करते हैं। और ये अभी लेके आए हैं धनिया पत्ता, धनिया पत्ता इसमें मिर्चा है और टमाटर है, टमाटर ख़त्म हो गया था तो वही लेके आए हैं डालने के लिए इसमें। चलिए दोस्तों कटिंग करते हैं सबसे पहले। ये दोस्तों हमारा मछली का तैयारी हो रहा है, पूरा मसाला वसाला लगा रहे हैं अभी, हल्दी वगैरह लगा के इसको थोड़ा देर छोड़ देंगे। और इसलिए कि मछली बहुत दिन हो गया खाया हुआ, और दूसरी बात कि अब हम लोग खा सकते हैं कुछ भी अभी,
कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं, फिर हमारा नवरात्रा चढ़ जाएगा तो फिर सब बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ पालन करते हैं हम लोग। तो ये देखिए अभी हमारा काम चालू है इधर। तो दोस्तों पहले जब नया नया गाड़ी में हड़िया बर्तन रखे थे हम, तो मतलब कि मीट मुर्गा मछली कुछ बनाने आता नहीं था, लेकिन देख कर तरस के रह जाते थे सभी। तो क्या चीज़ था, तो घुमा फिरा के दाल भात चोखा और कुछ नहीं, दाल भात चोखा, मतलब कुछ जानते नहीं थे सब। सब्जी बनाते थे तो मतलब बहुत ज़्यादा कट जाता था, पूरा कढ़ाई भर जाता था, पूरा कढ़ाई भर जाता था। तो वो मेरा नया नया की बात है, शौक से रखते थे कि यार मन करता था यार मछली कितना अच्छा ताज़ा बिक रहा है तो लेंगे इसको बनाएंगे, लेकिन बनाने नहीं आता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ड्राइवर लोग के साथ में रहे, थोड़ा सा देखे सीखे, तब जाकर थोड़ा आइडिया हुआ, तो अब तो खैर बनाने लगे सब। और रोहित जो है कि कुछ कुछ ये भी अपना घर से सीख के आया था कि जानवे करते बंगाल में बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये भी कुछ कुछ आइडिया देने लगा। यही आइडिया देने लगा कि इसमें लहसुन भी डाला करो, मिर्चा थोड़ा तेज डाला करो। ये देखिए ये बताने वाला, बताओ क्या क्या डाला जाता है। देखिए इसमें सरसों इस पे ज़्यादा डालना चाहिए। तो मछली उछली नहीं बनाने जानता था, हम रोटी नहीं बनाने जानते थे, हम एमपी का ड्राइवर का साथ सीखे थे रोटी बनाने। ये पता था हमको मछली मीट ये सब का, हम लोग का जामतला में बहुत अधिक से ज़्यादा मछली खाने वाला आदमी, मुर्गा मीट कम चलता है लेकिन मछली ज़्यादा ध्यान देता है। दोस्तों तेल मेरा गर्म हो चुका है, ये मछली चले डालना है। थोड़ा मछली बनाना मतलब तेल से भी बच के रहना है। ये देखिए दोस्तों आज मछली बन रहा है। मछली बनते बनते कुछ कहना चाहते हैं कि हमारा और सरकार के बीच का जो दोस्ती है, मतलब हमारा उनके साथ में क्या लेना देना है, वो चीज़ भी से मेरे ड्राइवर सरकार को क्या देता है। तो दोस्तों ऐसा है कि जब कोई ट्रक मालक के पास ड्राइवर खड़ा होता है तो वो गाड़ी लेता है, तो वो गाड़ी लेता है तो कितना परसेंट मतलब उसे कीमत के हिसाब से GST लग के सरकार खाता में चला जाता है। फिर ड्राइवर गाड़ी लेकर के आता है रोड पे तो तेल डालने जाता है, तो तेल से भी सरकार को फ़ायदा मिलता है। माल भरने जाते हैं, माल पे गोदाम पे माल पड़ा हुआ तब तक सरकार को कुछ नहीं मिलता है, जब गाड़ी पर लोड हुआ तो बैबिल वगैरह निकलता है उसका, तो उस हिसाब से फिर सरकार के पास उसके मतलब कीमत के हिसाब से उसमें उसको पैसा सरकार को मिलता है। और ड्राइवर जब चला वहाँ से तेल डाला तो फिर उसमें भी आपको मिला, रास्ते पे चले तो टोल टैक्स भी दिए। तो एक ड्राइवर सरकार को कितना चीज़ देता है, टायर खरीदने जाएं तो GST, उसके बाद कोई भी पार्ट सामान खरीदने जाएं तो उसमें GST, मतलब सरकार के खाता में पैसा जाता है। बदले में ड्राइवर को क्या मिलता है, मालक घर पर बैठा हुआ है वो तो उसका पैसा मान लीजिए पड़ा हुआ है, जब ड्राइवर खड़ा होता तभी वो गाड़ी लेता है, यहाँ पर मेरे ड्राइवर मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ। तो गाड़ी लेने के बाद सरकार को कितना फ़ायदा होता है, गाड़ी निकाले टाटा कंपनी से उसका अलग टैक्स मिला, गाड़ी का परमिट बनाने गए 1-1.5 लाख रुपया वो लगा, वो भी सरकार के खाते में गया, बदले में ड्राइवर को क्या मिलता है, बुढ़ापा में कोई पूछने वाला नहीं। तो मेरा यही विनती था, कम से कम लाइसेंस 60 साल की उम्र के बाद ड्राइवरों का एक पेंशन योजना बनना चाहिए, ये मेरा कहने का उद्देश्य था दोस्तों। एक ड्राइवर अगर इतना चीज़ देता है देश को तो उसमें कम से कम एक सरकार को भी कुछ देखना चाहिए कि हाँ भाई ड्राइवर एक इतना जब तक जवानी रहा ड्राइवर का कितना टैक्स कहाँ कहाँ से दिलवाया, और बुढ़ापा में उसको कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी बात, अगर कोई हादसा हो जाए, कभी ना हो ऐसा किसी ड्राइवर के साथ, ऐसे बहुत का हुआ है दोस्तों, चाहते हैं कि कभी ना हो किसी के साथ, लेकिन कभी ऐसा हो भी जाता है कि जवानी में अगर कोई विकलांग हो जाता है ड्राइवर तो भी उसको कोई पूछने वाला नहीं, फिर तो ना मोटर मालिक पूछेगा और ना ही सरकार कुछ देने वाला है। तो दोस्तों हम लोग ड्राइवर लोग जो हैं सरकार को इतना चीज़ देते हैं, मान लीजिए सरकारी प्लांट वहाँ जो कोई काम करते हैं उनके लिए कितना बढ़िया बढ़िया सुविधा है, मतलब आप उसको तनख्वाह भी देते हैं, रहने क्वार्टर भी देते हैं, मेडिकल भी देते हैं, रिटायर होने के बाद उनको जब तक जिंदा रहेगा तब तक आप उसको पेंशन देते हैं, उसका डेट होने के बाद उसके परिवार को पेंशन देते हैं, और हमारे ड्राइवर क्या मिलता है, मतलब हम लोग इतना इतना सरकार को टैक्स दिलाते हैं और हमारे बुढ़ापे में कुछ नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं
कि कुछ ऐसा ऑफिसर का हाथ में जाए जो कम से कम हम ड्राइवरों पे थोड़ा ध्यान दे, कम से कम एक उम्र का सीमा कर दे कि इतने साल के बाद से ड्राइवरों का भी पेंशन होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देश के लिए कितना, कोरोना में हम लोग देख लिए हैं हम लोग कितना कहाँ कहाँ अनाज लेकर ढोए ये कोरोना काल में। तो कोरोना काल में देखिए दोस्तों, हम लोग गाड़ी लेके निकल गए बाहर, कहाँ से कहाँ अनाज पहुँचा है। स्थिति बहुत ख़राब हो गया था, किसी को अनाज मिल रहा है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों एक बस ड्राइवर कहाँ का रहने वाला, घर से उठा कर ले गया उसको कि जाइए 60-70 आदमी को पहुँचा कर दूसरा स्टेट में, दोबारे में आया तो उसको क्या मिला, 15 दिन का क्वारंटाइन। घर से लेके गया, वापसी आया तो 15 दिन का क्वारंटाइन हो जाओ। तो ये सब हम ड्राइवरों पर थोड़ा ध्यान दिया है, सरकार थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम ड्राइवरों के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मछली बनाते हैं अभी, फिर बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, इसमें प्याज और मिर्चा एक साथ डाल देते हैं। दोस्तों ये सरसों स्पेशल मछली के लिए पिसवाए थे, तो वही सरसों इसमें जा रहा है। सरसों ही मेन, सरसों ही होता है मछली का। दोस्तों ये मेरे प्याज जो है लाल हो चुका है, ये देखिए अच्छी तरह लाल हो गया है। अब इसमें हम चले मसाला डालने, ये हमारा मसाला तैयार था। दोस्तों ये मसाला डालने के बाद ये मेरा टमाटर चला इसके अंदर, ये देखिए टमाटर ये गलेगा दोनों एक साथ में। अब नमक डाल देंगे, ये दोस्तों नमक। दोस्तों ये मेरा तरी जो है तैयार हो चुका है और पूरा अच्छी तरह से खोल रहा है ये। अब इसमें हम चले मछली डालने इसमें। ये सब इसके अंदर जाएगा, थोड़ा देर रहेगा अभी, इसके बाद ये आ जाएगा लाइन में। इसको थोड़ा देर ढक देते हैं, अभी थोड़ा देर इसको अभी ढक दिए हैं। ढकने के बाद वो गैस से पूरा और अपना काम तमाम कर लेगा, पूरा जो मसाले खुशबू है वो उसमें अंदर आ जाएगा, पूरा पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ देर छोड़ देते हैं इसको। दोस्तों हमारा ये मछली बन चुका है, हम लोग चले खाना खाने के लिए। आज हम लोग का बंगाली वाला माछ भात, मैंने माछ भात हम लोग आज खाने जा रहे हैं। बहुत दिन बाद मछली बना है तो उसके लेकर के हम लोग दोस्तों आज माछ भात खाने चले। दोस्तों खाना बनाते बनाते तो थोड़ा ऑफिस का भी काम था, इधर खाने का भी था, तो समय तो लग ही जाता है। तो टाइम अरे 2:30 बज गया हम लोग का, अभी खाना कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, चले हम लोग खाने के लिए। दोस्तों खाना वाना तो हो चुका अपना, अब निकले अपना चले टाटा जमशेदपुर। अब बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, अपना अपना जो ऑफिस से काम तो सब हो चुका है, चले सीधा यहाँ से उड़ीसा होते हुए अपना संबलपुर झारसुगड़ा जो रास्ता है अपना जाने का, उसी में चले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों हम लोग बलौदा बाजार पार कर चुके हैं, अभी समय रात के 9:30 बज रहा है। तो कुछ दिन का बचा हुआ मछली था और तो थोड़ा सा लग रहा कि रोहित को लग रहा था कि कम हो जाएगा, तो अंडा भुजिया भी बना, अंडा आमलेट, हमने अंडा आमलेट बना लिया है। आमलेट भुजिया है एक ही बात है, तो इसको लगा कि कम हो जाएगा तो हम कहे चलो भाई तो बना लो, तो वही ले लिए अंडा, वो भी बना लिए हैं। तो दोस्तों ठीक है, यहीं पर खाते हैं अभी, खाना खा के यहीं हम लोग सोएंगे। दोस्तों खाना पीना तो हो गया हमारा, इसी पंप में खड़े हैं, देखिए इधर भी पूरा गाड़ी लाइन से लगा हुआ है, पूरा पार्किंग है यहाँ, बढ़िया पार्किंग है। देखिए गार्ड है सरदार जी, यही गार्ड है अपना, यही अभी गार्ड है, पहले दूसरा था अभी यही है। चलो तो जहाँ पर हम लोग गार्ड उड मिलता है सुरक्षित जगह वहीं पर सोते हैं हम लोग। दोस्तों जानते हैं कि आजकल बहुत एरिया ख़राब है, नुकसान हो जाता है गलत जगह सोने से।
दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते फिर अगले नेक्स्ट नए ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।